कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छात्रावास अधीक्षक की संयुक्त बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने छात्रावास आश्रमों की मरम्मत सहित मूलभूत सुविधाओं को चिन्हांकित करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे मरम्मत कार्य किए जाएं जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है उसे नए शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले पूर्ण कर ले। इसके लिए अधीक्षकों को विभाग के साथ सामंजस्य बैठा कर ये निर्माण कार्य हेतु प्राकलन बनाकर सप्ताह भर के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने बैठक में अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रावास आश्रम में प्रतिमा निगरानी समिति की बैठक के दिन पालक बालक सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्त एवं अधीक्षकों को उनके दायित्व का बोध कराते हुए कहा कि छात्रावास में कोई भी विशेष समस्या है जिनका निराकरण वे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस बात की सूचना तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। साथ ही मौखिक एवं लिखित रूप में समस्या बताते हुए निराकरण हेतु प्रभावी पहल करने के लिए निर्देशित करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने कन्या छात्रावास सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अधीक्षक चौकीदार एवं महिला नगर सैनिक की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही छात्रावास में अधीक्षक व चौकीदार आवास गृह हेतु प्राकलन तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं बैठक में अनुपस्थित अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सभी अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सभी छात्रावास में स्थित आवास गृह में रात्रि में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सभी को सचेत रहने की समझाइश दी और कहा कि छात्रावास में अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाए एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोई अन्य अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित न हो। अब लगता है कि सभी छात्रावासों की व्यवस्था कलेक्टर के मार्गदर्शन से दुरुस्त हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।